असलकुम बच्चों क्या हाल है ठीक है आप <coughs> अभी तक हमने जो पढ़ा आप उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी चलें ठीक है हमारी मैं आपको कल ऑफ दे दूंगा कल आप ऑफ कर लीजिएगा परसों भी क्लास कर लेंगे नहीं इधर से आवाज आ रही क्लियर सो सो फार सो बट कोई बात मुश्किल बैठा तो ना लगी इट इज़ एवरीथिंग इजी चलो Uh, हाँ रोज देखें एक सब्जेक्ट है वो दो सौ मार्क्स का है उसके टू हंड्रेड मार्क्स हैं ठीक है तो जाहिर बात है हम उसको इतना इजी तो ना ले सकते आप बस सी एस एस करते हुए एक बात अपने माइंड में रखा करें कि सी एस एस जो है ना वो ठीक है इतना मुश्किल नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है आपने पूरा जो है ना वहां कंपटीशन चल रहा होता है जाहरी बात है आप माने या ना माने तो जब भी इधर बैठे होते थे तो मोस्टली अच्छी यूनिवर्सिटीज में ही सारे सारे लोग थे तो मुश्किल गेम है थोड़ी तो फिर डिपेंड तो करता है ना अच्छा जी मगर आज का टॉपिक बहुत इजी है ठीक है मैं बल्कि कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इजी है काजेज टाइप्स एंड मेथड्स वॉर की आज हमारी सारी जो गेम है वो इस वॉर के राउंड घूमेगी ठीक है और आपने बड़ी दफा सुना होगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉर स्टार्ट होगी है और पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन वॉर का मसला है ये है वो है तो आज आपको मैं एक्चुअली बताता हूँ कि फिफ्थ जनरेशन वॉर होती है टॉपिक ऑफ टुडे इज वॉर ठीक है वॉर क्यों होती है वॉर की टाइप्स क्या हैं एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द वॉर सो बिफोर गोइंग इन टू डीप सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉर होती क्या है तो जिस तरह हमने सिक्योरिटी का देखा था सिक्योरिटी का देखा था कि सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट था ट्रेडिशनल कंसेप्ट जिसके अंदर वही मिलिट्री और वही सारा कुछ और बॉर्डर को सिक्योर करना ही है वो और एक हमने सिक्योरिटी का देखा मॉडर्न कंसेप्ट जिसको हमने नाम दिया सिक्योरिटी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जिसमें ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि और भी काफी सारी चीजें इन्वॉल्व थी सेम इज केस विद द वॉर वॉर का भी एक तो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट और उस ट्रेडिशनल कंसेप्ट के साथ एक हम देखेंगे कि आजकल के मॉडर्न पीरियड में वॉर क्या है और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं सो so, जो तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट या कन्वेंशनल कंसेप्ट वो तो यही है कि वॉर इज एन एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन ये लफज पे वॉर करना है ट्रेडिशनल कंसेप्ट में कि वॉर इज एन एक्ट ऑफ मिलिट्री मिल्टर, इसको लिंक करो सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी क्या थी कि अपनी मिलिट्रीज और तो ये सारा कुछ और वॉर जो है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है कि वॉर इज एन एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन अच्छा यहाँ पे भी यहाँ पे भी ट्रेडिशनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी सिक्योरिटी में दैट वॉज द स्टेट और यहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉर में भी दैट इज ऑल्सो स्टेट एन एक्ट ऑफ मिलिटरी एग्रेशन किस का ऑफ वन स्टेट किसके अगेंस्ट अगेंस्ट अनदर स्टेट सो डिफाइनिंग इट वेरी ब्रीफली अगर हम इसके की वर्ड्स लिखें की वर्ड्स लिखें तो दो बनेंगे नंबर वन वॉर मिलिट्री है ठीक है और नंबर टू वॉर क्या है वॉर इज़ बिटवीन या अमंग स्टेट्स अगर दो के दरमियान होगी तो बिटवीन और अगर दो से ज्यादा के दरमियान होगी तो अमंग स्टेट्स होंगी दिस अगर आप आज का मॉडर्न पीरियड देखते हैं अगर आज का आप मॉडर्न पीरियड देखते हैं अच्छा उस चीज को बताने से पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट में या मॉडर्न कंसेप्ट में जब भी हम लफज मिलिट्री का यूज करेंगे उसका मतलब होगा कि वो मिलिट्री जो स्टेट ओन्ड है वो मिलिट्री जो जिसको एक रिकग्नाइज्ड स्टेट ऑन कर रही है वो मिलिट्री जिसके एक्शंस जिसकी जो एक्शंस हैं वो उनके जो उन जो उन एक्शंस का डिसीजन है वो कोई प्रॉपर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है उसके अलावा कोई मिलिट्री एक्शन या कोई भी एक्शन वो प्रॉपर मिलिट्री की डेफिनेशन में नहीं आता असद नेटो अलायंस होता है बेटा <coughs> अच्छा अब हमने प्रीवियसली जब कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ वॉर देखा तो हमने दो चीजें देखी नंबर वन मिलिट्री लेकिन किस चीज की मिलिट्री कौन सी मिलिट्री स्टेट की मिलिट्री अब आप मुझे बताओ कि आजकल आप इतने सारे बर्ज वर्ड सुनते हैं वॉर ऑन टेररिज्म क्या इसमें दोनों साइड से मिलिट्री इन्वॉल्व है ट्रेड वॉर क्या इसमें मिलिट्री है साइबर वॉर क्या इसके अंदर मिलिट्री है बाय या टीएनसीज क्या इनके पीछे कोई मिलिट्री होती है <coughs> तो क्या तुम्हारा जो मोटा मोटा जहन है जो थोड़ा थोड़ा है वो इस कंसेप्ट डेवलप हो गया है कि व्हाट मॉडर्न कंसेप्ट हफ्सा बच्चे टाइम पे आया करो नौ बजे का मतलब होता है नौ बजे अगर आप लेट हो जाते हैं तो प्लीज उस चीज को समझा करें कि जहां से भी स्टार्ट होता है वहीं से समझा करें <coughs> सो so, जो मॉडर्न जो मॉडर्न वॉर है जो मॉडर्न कंसेप्ट वॉर है दैट रिवॉल्व्स अराउंड मिलिट्री भी होती है होती तो है मिलिट्री लेकिन मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमी भी होती है मिलिट्री के साथ साथ पॉलिटिकल वॉर्स भी होती हैं मिलिट्री के साथ साथ कल्चरल वॉर्स भी होती हैं और मिलिट्री के साथ साथ साइबर वॉर्स भी होती हैं तो जो हमारा एक्ट ऑफ अग्रेशन है जो हमारा एक्ट ऑफ अग्रेशन है ये एक्ट ऑफ अग्रेशन ये एक्ट ऑफ अग्रेशन मिलिट्री वाला भी हो सकता है इकोनॉमी वाला भी हो सकता है पॉलिटिकल भी हो सकता है कल्चरल भी हो सकता है और साइबर भी हो सकता है और क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे आपने कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनी है कि बायो वार कोविड नाइनटीन जो है वो बायो वार है कभी किसी कंट्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनी है ऑफिशियली किसी कंट्री ने कहा हो कि बायो कोविड नाइन्टीन तो मैंने आपको हजार दफ़ा कहा है मैंने आपको हजार दफा कहा है कि कभी भी अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स ना दिया करो ना अपने पेपर्स में ना अपने इंटरव्यू में और जब सी एस पी भी बन जाओगे तो अभी ट्रेनिंग में एक भी लफ्ज कोई कहे ना कि यार सर ये ऐसे है तो अगले बंदे जो ना वो मारने पे आ जाते हैं कि नाउ यू आर सी एस पी हाउ कैन यू से सच अ ब्लंट वर्ड्स

इवन के अगर अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट में आपको ये भी लग रहा है कि हाँ ये ऐसे ही है अगर आपको लग रहा है कि जो ट्रम्प है ही वॉज सपोर्टेड बाई यू एस एस आर या सॉरी रशिया इन अलेक्शन लेकिन अगर अभी तक ऑफिशियल नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एड सो मैं एज ए बड़ा भाई एज ए टीचर एज ए फ्रेंड आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने इंटरव्यू में अपने पेपर में नेवर गिव एन स्टेटमेंट अपनी कॉमन सेटिंग में आप जितनी भी बहस करनी आप उसके भी करें, तो <coughs> so, uh, है ठीक है तो बी वेरी मच माइंडफुल ऑफ इट सो जो एक्ट ऑफ अग्रेशन है दैट कुड बी मिलिट्री दैट कुड भी इकोनॉमी दैट कुड भी पोलिटिकल

perpetrated by state. लेकिन जब आप broader level पे जाओगे तो state के साथ non state actors भी involve हो जाएंगे जैसे terrorist organizations है जैसे media है जैसे MNCs है so with the passage of time विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉर की जो डायमेंशन थी जो वॉर की डायमेंशन थी वो कन्वेंशनल कंसेप्ट से वॉर की जो डायमेंशन है वो कन्वेंशनल से मॉडर्न की तरफ गई और इसके अंदर जो एक याद करने वाली बात है वो ये है कि विद दिस दायमेंशन द डायमेंशन ऑफ द वॉर बिकेम ब्रॉडर अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है हमने सिक्योरिटी में भी पढ़ी थी और जब वॉर की बात की सिर्फ एक्ट ऑफ अग्रेशन एक्ट ऑफ अग्रेशन ये लफज रखना है और एक याद रखना है कि एंटी कौन सी है ठीक है अगर मैं ब्रीफली दोबारा रिपीट करूं अगर एक्ट ऑफ अग्रेशन मिलिट्री का होगा और स्टेट करेगी तो होगा ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ वॉर अगर एक्ट ऑफ अग्रेशन नॉन मिलिट्री होगा और इसको कोई भी अदर देन स्टेट स्टेट नॉन एक्टर करेगा तो दैट वुड बी अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वॉर और यहां से लेके यहां तक जो सम अप लाइन है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द डायमेंशन ऑफ द वॉर ज बिकम ब्रॉडर एनी कंफ्यूजन सुहेल नॉन मिलिट्री से मुलाकात है अदर दैन मिलिट्री अदर देन मिलिट्री इकोनोमी मीडिया और ये सारी चीजें जो पीछे मैंने बताई हैं हाँ हाँ मिलिट्री तो होती है ना मिलिट्री तो होती है ना मॉडर्न में भी मिलिट्री तो है ना देखो जो ट्रेडिशनल है ना ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल है ना अच्छा मेरी बात सुनो जैसे मोबाइल आता उसको जो बेसिक फंक्शन था वो कॉल करना था विद पैसेज ऑफ टाइम मोबाइल अपडेट होते 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 यहाँ तक पहुंच गए कि एप्पल का जो सबसे लेटेस्ट सेल है वो आ गया लेकिन उसके अंदर भी जो कॉल का फंक्शन होगा वो होगा कि नहीं होगा होगा ना लेकिन तेतीस दस के अंदर जो एप्पल के बाकी फंक्शंस हैं क्या वो होंगे नहीं होंगे लेकिन क्या तेती दस एप्रेल के अंदर वो जो बेसिक फंक्शन है कॉल करने का वो होगा कि नहीं होगा तो मेरा मतलब समझाने का ये था मेरा मतलब समझाने का ये था कि जो कन्वेंशनल था उसके अंदर सिर्फ मिलिट्री थी लेकिन जो मॉडर्न है उसके अंदर मिलिट्री तो है लेकिन उसके साथ नॉन मिलिट्री चीजें भी इन्वॉल्व हो गई हैं अब मुझे ये बताओ कि जो मिलिट्री वॉर है जो मिलिट्री वॉर है क्या वो कन्वेंशनल वॉर हो सकती है क्या वो मॉडर्न वॉर हो सकती है ठीक है और जो जो मॉडर्न वॉर्स में है उसके अंदर मिलिट्री तो आएगी आएगी लेकिन उसके साथ नॉन मिलिट्री चीजें भी जी जी मैंने आपको सिर्फ साइबर अटैक तो नहीं बताया मैंने तो आपको इतनी चीजें बताई हैं अब जैसे इकोनॉमिक है क्या वो, वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आएगा मैं नया क्या के चलें वेरी गुड शाबाश अब हम आते हैं टाइप्स। पुत्री मैंने आप कि मिलिट्री क्या बताया इसलिए मैंने जान बुझ के ये कंसेप्ट क्लियर किया है ताकि तुम्हें ये क्लियर जाएगा कि मिलिट्री जब भी यूज तो उसका मतलब क्या होगा कौन सी मिलिट्री ओन्ड बाय स्टेट जिसके एक्शन मेड होंगे बाई स्टेट ओनली पता नहीं तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो गए हो हाँ जी मॉडर्न स्टेट प्लस नॉन स्टेट हां जी लिख सकते हैं आप चलो आगे चलते हैं यार तमूर मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो तुम्हारी बात बिल्कुल लेजिटिमेट है मैं उसको डिनाय नहीं कर रहा लेकिन जब तुम ट्रेडिशनली जाओगे ना जब तुम ट्रेडिशनली जाओगे बैकग्राउंड कंसेप्ट देखोगे वहां पे तुम्हें कन्वेंशनली कहीं भी ये नहीं नजर आएगा कि वॉर जो हैं वो ट्रेड की वजह से या वॉर जो है वो इकोनॉमी की वजह से लड़ी गई यू विल नेवर सी दैट अगर तुम बहुत पीछे जाओगे पेलोपनी वॉर देखोगे या इस किस्म की सारी वॉर देखोगे देव यू मी के नेशन स्टेट सिस्टम बनने से पहले ये जो इकोनॉमी थी इसको सिर्फ एक लगरी कंसिडर किया जाता था इकोनॉमी ये इकोनॉमी का कंसेप्ट तो जब एडम स्मिथ आया जब एडम स्मिथ था कंसेप्ट जो है ये तब प्रोपोनेट ज्यादा होने लगा है बिफोर दैट इकोनॉमी Was not as much in, in you know, action as it is nowadays. Okay, everything is based on economy, but priorly things were not as arranged as today. क्वेश्चन so, किया करो ठीक है तो आप यकदम इतने ना बन जाया करोशू तो मेरी ऊपर ये पूरी पाबंदी है कि मैं हर बंदे का जो है ना वो क्लियर करके आगे चलो मुझे भी पता है इसको आगे लेके जाना है टाइप्स ऑफ वॉर ठीक है वॉर की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। वॉर की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जैसा कि कुछ जो होती हैं, उसको कहते हैं जनरल या टोटल वॉर जनरल या टोटल वॉर अच्छा पहले एक चीज क्लियर कर लो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो तब तक तो तुम्हें समझ नहीं आएगा वॉर एंड वॉर फेयर वॉर होती है जंग और वॉर फेयर होता है जंग लड़ना तो जब मैं टाइप्स ऑफ वॉर पढ़ा रहा हूंगा जब मैं टाइप्स ऑफ वॉर पढ़ा रहा हूंगा तो तब मैं जंग की टाइप्स पढ़ा रहा हूंगा और जब मैं टाइप्स ऑफ वॉर फेयर पढ़ा रहा हूँ तब मैं जंग लड़ने की टाइप्स बता रहा मतलब वॉर की जब टाइप बताऊंगा तो सिविल वॉर होगी तो टोटल टो 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 वॉर होगी और जब जंग लड़ने के तरीके बताऊंगा तो वो जो है वो देर वुड बी वुड बी समथिंग एल्स दैट वुड बी कन्वेंशनल वॉर दैट वुड बी न्यूक्लियर वॉर दैट वुड बी समथिंग एल्स तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ देर इज अ डिफरेंस between war and warfare and there are there is a difference between types and uh, and 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 the types of war and the types of warfare जी बिल्कुल ऐसे ही है बाकी तुम लोगों को मुझसे शिकवे जरूर हो सकते हैं लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई इतना डीप नहीं पढ़ाएगा कि तुम्हें वॉर और वार और फेयर तक भी बताए हाउ इंसान खुश नहीं होते लोगों से तो इट है अच्छा जनरल एंड टोटल जनरल एंड टोटल वॉर अच्छा जनरल और टोटल वॉर ये होती है जनरल टोटल वॉर ये होती है ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है इतना मुश्किल नहीं है इतना मुश्किल नहीं है आ, उस वो वार वो वार वो वार जिसके अंदर जो वार ए वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल ये इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है वॉर के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी वॉर होगी उसके अंदर मिलिट्री होती है और उसके अंदर सिटीजें होते हैं तो जब वॉर के अंदर मिलिट्री के साथ सिटीजें भी सारे के सारे शामिल हो जाएं वॉर के अंदर मिलिट्री के साथ साथ सब शामिल हो जाएं और वो वॉर ए वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बन जाए दिस इज कॉल्ड टोटल वार और जिसके अंदर ऑलमोस्ट जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड शामिल हो जाए ठीक है और जिसका जो इम्पैक्ट है जिसका जो इम्पैक्ट है इसका जो इम्पैक्ट है, है वो डोमिनो इम्पैक्ट हो डोमिनो को पता है ना कि ये डोमिनो लाइन में पड़े हैं ठीक है एक डोमिनो गिरे तो ये सारे डोमिनोज को गिरा दे ठीक है तो जो टोटल वॉर होती है जो टोटल वॉर होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो डोमिनो इम्पैक्ट होता है और उस डोमिनो इम्पैक्ट के साथ वो पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लेती है वर्ल्ड वॉर को देखो दोनों को तो बड़ी लिमिटेड सी वॉर थी मतलब सिर्फ यूरोप तक थी लेकिन उसका डोमिनो इफेक्ट ऐसा आया कि वो यूरोप से लेके एशिया तक और इधर एशिया से लेके पूरे अमेरिका तक स्प्रेड हुई हुई थी और और इसका इसका जो बेसिक परमानेंट चेंज होती है कोई चीज परमानेंट चेंज हो जाए मतलब अगर आप वर्ल्ड वॉर वन के बाद देखो तो दुनिया का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया लीग ऑफ नेशन का कंसेप्ट आया और अगर वर्ल्ड वार टू देखते हो तो क्या देखते हो कि वो दुनिया जिसके ऊपर पहले कभी यूरोप का कंट्रोल था वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया यूरोप की जगह पे यूरोपियन यूनियन बनी और यूरोप की लीडरशिप की बजाय लीडरशिप अमेरिका को मिली और उसका कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो वो वॉर जिसके अंदर परमानेंट चेंज या परमानेंट हो उस वॉर को टोटल वॉर कहते हैं समझ आई चलो अभी ना समझो अभी जस्ट इसको कंपेयर करो ना पहले कंपेयर करो इसको लिमिटेड वॉर के साथ फिर ये सही समझ आएगी लिमिटेड वॉर क्या होती है लिमिटेड वॉर वो होती है लिमिटेड वो होती है कि सम कंट्रीज जी जी सेकंड टाइप है सम कंट्रीज अगेंस्ट सम कंट्रीज और इसके अंदर कोई भी डोमिनो इफेक्ट ना हो और ये लिमिटेड हो ये लिमिटेड हो कहा तक कहा तक इसमें हर चीज की लिमिटेड हो हर चीज लिमिटेशन में हो इसमें पर्सन भी लिमिटेशन हो इसमें वेपन भी लिमिटेशन हो और इसके अंदर जो लोकलाइजेशन ऑफ वॉर है वो भी लिमिटेड हो ठीक है और इसके अंदर दुश्मन को एनिमी को ख़त्म नहीं करना होता अगर ये एनिमी है तो उस दुश्मन को ख़त्म नहीं करना उसके अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं ला के आनी या कोई एब्सल्यूट गेंस नहीं लेकर आने बल्कि उस वॉर के जरिए उस दुश्मन को कन्वेंस करना है उस दुश्मन को कन्वेंस करना है कि वो हमारी जो डिमांड्स हैं वो मान ले या टेबल पे बैठ जाए अगर तुम इनकी एग्जाम्पल्स देखो तो 1965 की वॉर है जो हमारी पाकिस्तान इंडिया की थी जी जी जैसे कारगिल वॉर है ठीक है अब इसकी ये जो दोनों वॉर्स थी ये लिमिटेड वॉर्स थी और इनका मतलब कोई कंप्लीट चेंज नहीं लेके आना था पाकिस्तान ने इंडिया पे या इंडिया ने पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करना था बल्कि अपने कुछ कुछ बातें थी कश्मीर इशू था उसको रिजॉल्व करना था और उसको रिजॉल्व करने के लिए टेबल तक लेके आना था तो वो वार्स जिनके अंदर लिमिटेशन हो जो कुछ कंट्रीज तक लिमिटेड हो और जिसका पर्पस कोई परमानेंट चेंज ना लाना हो बल्कि कुछ ख़ास डिमांड्स को मनवाने के लिए उनको निगोशिएशन टेबल तक लाना हो दैट वॉर इज कॉल्ड लिमिटेड वॉर सो गट एन आइडिया बिटवीन टोटल वॉर एंड लिमिटेड वॉर दरमान यार नहीं, नहीं वो आगे आएगा असद।, असद आप पूछ रहे हो ना नेक्स्ट टाइप इज सिविल रब दो टाइप्स काफी है बाकी जो आपने यूरोप की थर्टी ईयर वॉर सुनी हुई है और एक हमने यूएस हिस्ट्री में सेवन इयर्स वॉर पड़ी थी टोटल वॉर एग्जाम्पल तो बेशुमार हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिविल वॉर अच्छा क्या पूछो मैं अच्छा मैसेज को ना उसको प्राइवेटली ना किया करो ओपनली किया करो मतलब एवरीवन करके फिर मैसेज किया करो हु इज थर्टी थ्री आ, अच्छा नहीं है कोई भी सीधा थर्टी थ्री सिविल वॉर अच्छा पहले हमने जो दोनों वॉर पढ़ी जिसके अंदर हमने टोटल वॉर पढ़ा जी जी जिसके अंदर हमने टोटल वॉर पढ़ा और जिसके अंदर हमने लिमिटेड वॉर पढ़ा ये जो दोनों टाइप्स ऑफ वॉर हैं ये किसके दरम्यान थी ये थी बिटवीन स्टेट एंड स्टेट चाहे इसमें स्टेट एक थी एक से ज्यादा थी बिटवीन स्टेट एंड स्टेट थी आपको सिविल वॉर एक छोटी सी बात से समझ आ जाएगी आपको सिविल वॉर एक छोटू सी बात से समझ आ जाएगी कि सिविल वॉर एक साइड पे तो होती है स्टेट लेकिन एक दूसरी साइड पे स्टेट नहीं होती भला वो क्या होता दूसरी साइड पे नॉन स्टेट एक्टर्स और नहीं यार वो लफ्ज यूज करो ना जो आई आर का है आई आर के जार्गन अब यूज किया करो अब एक्सपर्ट बन जाओ आई आर के जार्गन यूज किया करो स्टेट बिटवीन नॉन स्टेट एक्टर्स अच्छा अब ये देखो कि इस वॉर में स्टेट अपना क्या मनवाना चाहती है स्टेट क्या करना चाहती है स्टेट अपनी जार्गन यूज़ स्टेट अपनी रेट एस्टेब्लिश करना चाहती है स्टेट अपनी रेट को एस्टेब्लिश करना चाहती है जबकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं वो उस रिट को तोड़ के चेंज करना चाहते हैं सॉवरन को गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं या रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं ठीक है जी जी इसके अंदर प्रश्न जरबे अजब भी आपका आ जाएगा और सारे आ जाएंगे इसकी सबसे अच्छी मिजाम्पल आपके सामने यूएस की सिविल वॉर है यूएस सिविल वॉर ठीक है एक तरह तो स्टेट थी यूएसए उस यूएसए के अगेंस्ट थी सी एस ए कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस की गवर्नमेंट थी और उस यूएस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कह लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टेट के अगेंस्ट लॉन्च की अब इस वॉर का बेसिक मकसद ये था इस वॉर का बेसिक मकसद ये था कि ये जो यूएसए की गवर्नमेंट है इसको चेंज कर दिया जाए और यहां पे चेंज ऑफ सॉवरन होनी चाहिए ठीक हो गया निधन ने एक अच्छा सवाल पूछा है शाबाश। पूछा है कि सर जो 1857 की वॉर थी क्या हम उस वॉर को भी सिविल वॉर कह सकते हैं तो सिविल वॉर के लिए जरूरी है कि वो स्टेट अराइज हो वो स्टेट अराइज हो विदन स्टेट नहीं थी मतलब स्टेट के लोग नहीं थे बल्कि लोग बाहर से आके कब्जा ग्रुप बने हुए थे ठीक है हाँ हाँ सीरिया की वॉर सिविल वॉर है अब देखो सीरिया की वॉर में कौन है सीरिया की वॉर में कौन है सीरिया की वॉर में बशारद और के अगेंस्ट कौन है असद के अगेंस्ट कौन है आ, क्या नाम है पब्लिक कह लो ये कुछ सम ऑफ पब्लिक है अब देखो इस सम ऑफ पब्लिक का इन बागियों का नई होतीज है वो तो उधर है ना होतीस तो यमन में है ना रेबल यमन में है वो भी देख लो यमन में गवर्नमेंट है ठीक है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं अब हूदी रेबल्स क्या करना चाहते हैं इन इनबल्स का यार सारे ही ऐसे हैं ना आप सुनो ना बात को अहमियत बढ़ा ली अफगानिस्तान में क्या है गवर्नमेंट है नॉर्दर्न अलायंस की अब नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट तालिबान अब मुझे ये बताओ कि ये तालिबान ये हुदी ये सम फैक्शन ऑफ द पब्लिक इनका बेसिक पर्पज क्या है वट इज देयर बेसिक पर्पज इन तीनों का बेसिक पर्पज क्या है चेंज द सॉवरन मेरे ख्याल में अब सिविल वॉर की सही समझ आ गई होगी क्लियर हो गया एक बंदा है यूएल नोवा हरारी इसकी बुक कभी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना बस इसको पढ़ के आपने एथियस्ट नहीं हो जाना बस इसको समझना है ठीक है उसकी कोटेशन वो कहता है कि द बेस्ट वॉर जी होम से बेस्ट वारेजी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यार जी बंद अपने दौर च ना एक सौ साल आगे रह रहा है द बेस्ट वॉर स्ट्रैटी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज टू स्टेट ऑन द फेंस And let others fight for you. Interesting. The best war, the best war strategy in twenty-first century is to sit on the fence and let others fight for you. Mere mulk mein, मेरे मुल्क में अगर कोई मेरे फैंस पे बैठ के मेरे अंदर लोगों को लड़वा रहा होगा और मेरी स्टेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा तो दैट वुड बी प्रॉक्सी वॉर डैट वॉर वुड बी प्रॉक्सी वॉर प्रॉक्सी वॉर में आपने एक बात याद रखनी है एक पर्सनालिटी है विलियम विलियम लेंड ने प्रॉक्सी का एक मैकेनिज्म दिया था उसने कहा था कि चार चीजें होंगी उसने कहा था दुनिया के अंदर चार चीजें होंगी किसी जगह पे तो वो प्रॉक्सी होगी कामयाब होगी अदरवाइज वो प्रॉक्सी कामयाब नहीं होगी नंबर वन उसने कहा था कि प्रॉक्सी को कामयाब करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सप्लाई ऑफ वेपन्स। नंबर टू सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस कि जो जिन लोगों को आप लड़ा रहे हो जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे तो आप कैसे कर सकोगे तीसरा आप उन लोगों की ट्रेनिंग करवाओ और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको आप इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करो उसके साथ साथ जहां पे आप वॉर करवा रहे हैं जहां पे आप वॉर करवा रहे हैं तो वहां पे जो लोग बस रहे हों जो मैसेज हों वो इन फेवर हो थर्ड पार्टी के जो वॉर करवा रही है और ये बात आपको सिर्फ एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आ, वो प्रॉक्सी याद करो प्रॉक्सी याद करो तुम लोग मुक्ति बानी की मुक्ति में, 1971, में, 1971 में इंडिया जो है लड़वा रहा था ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के साथ अब इसमें चारों अप्लाई करो क्या इंडिया वेपन प्रोवाइड कर रहा था क्या इंडिया फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहा था क्या इंडिया ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को और क्या बांग्लादेश की आवाम इंडिया को पसंद कर रही थी इंडिया के फेवर में थी कि नहीं थी तो क्या कहता है विलियम लेंड कि जब ये चार चीजें होंगी जब ये चार चीजें होंगी तो प्रॉक्सी पूरी होगी अदरवाइज प्रॉक्सी में गेट फेल क्लियर काकड़ के हाथ क्यों निकल रहे हैं जो भी एंटी स्टेट बात होती है ना बलोचिस्तान वालों के बड़े हादसे निकलते हैं हाँ तुम इसकी एग्जांपल देना ना ये तो वैसे ही था इसको तो मल्टीपल लोगों ने यार प्रॉक्सी को क्या यारत वेद नाम की एग्जांपल भी दे सकते हैं आप जैसे अगर तुम लोग वेद नाम के बारे में तुम लोग जानते हो इफ यू चुका था बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम वियतनाम डिवाइडेड एंड बोथ यूएसएसआर एंड यूएसए वर

Civil war, non-state non -state actors, proxy war, involvement of third party, involvement of third party. करते हैं। अच्छा अब ना वार जो है वो टाइप्स जंग लड़ने का तरीका नहीं है वो जंग का तरीका नहीं, नहीं है वो जंग लड़ने का तरीका है कोल्ड वॉर तो चीज ही और है चलो हम जब कोल्ड वॉर इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना फिर ये क्लियर हो जाएगा आई थिंक वॉर फिर तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं ना अभी तो हमने वॉर के तरीके पढ़े हैं अभी हमने टाइप्स ऑफ वॉर देखी है अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉरफेयर या क्लासिफिकेशन ऑफ वॉरफेयर जब हम आ, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉरफेयर करते हैं मतलब जंग लड़ने के तरीकों को हम देखते हैं जंग लड़ने के तरीकों को देखते हैं तो इसको भी हम दो में डिवाइड कर लेते हैं इसको भी हम दो में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ वेपन अच्छा जिसका भी रोल नंबर नहीं लिखा हुआ बस मुझे उसका नाम सेंड करता है तो उसको रिमूव कर देते हैं चाहे वो इनरोल्ड है भी सही तो जस्ट सेंड मी द रोल नंबर तो उसको निकाल देते ऑन बेसिस ऑफ टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी जंग हम दो तरीके से लड़ते हैं दो चीजें होती हैं हमारे पास जंग में एक हमारे पास वेपन होता है और एक हमारे पास स्ट्रेटजी होती है एक हमारे पास वेपन होता है एक हमारे पास स्ट्रेटजी होती है तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर है वो हम दो तरीकों से करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि ऑन ऑनब लिखो ना बेटा ये अपना रोल नंबर इधर ऑन द बेसिस ऑफ वेपन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटी So, इसके सिर्फ हम देखते हैं तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं हम वेपन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि वेपन को आप कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है वेपन तीन तरह के होते हैं एक होते हैं कन्वेंशनल वेपन वेपन तीन तरह के होते हैं एक तो होते हैं कन्वेंशनल वेपन एक होते हैं स्मार्ट वेपन और एक होते हैं डब्ल्यू एम डीज

अपनी तलवार को चलाता है अपनी तलवार को चलाता है और मोस्टली तलवार को अपनी स्किल यूज करते हुए ये चलाता है स्किल वर्सेस स्किल होती है और मोस्टली मोस्टली वन वर्सेस वन होता है जब तक घुमसान नहीं पड़ता हमेशा वन वर्सेस वन होता है और हमेशा स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ होता है दोनों तरफ ताकत होती है इसमें जो एफिशिएंसी है बात समझने की यह है कि इसमें मुझे यह बताओ कि एफिशिएंसी किस चीज पे डिपेंड करेगी शाबाश। जिसको तलवार अच्छी चलाने आती है जिसको तलवार अच्छी चलानी आती है वो जीत जाएगा सो इन कंवेंशनल वेपन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्केशनल वेपन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द स्के अगर हम स्मार्ट वेपन की तरफ आए अगर हम स्मार्ट वेपन की तरफ आए तो यहां पर स्केल ऑलरेडी यूज होके टेक्नोलॉजी में बदल जाती है ठीक है और यहां पर जो मुकाबला होता है वो होता है स्पीड वर्सेस स्पीड किसकी गोली ज्यादा तेजी से पहुंचेगी किसकी गोली की रेंज ज्यादा होगी रेंज वर्सेस रेंज ठीक है और किसकी गोली की वजह से इंड्यूस्ड जो थ्रेट है वो ज्यादा होगा दिस कॉल्ड स्मार्ट वेपन जैसे एफ सिक्सटीन है स्मार्ट वेपन है ए के फोर्टी सेवन है स्मार्ट वेपन है ठीक है और यहाँ पे जो ह्यूमन स्किल है, ह्यूमन स्किल है उसको किसने रिप्लेस कर लिया उसको तो किसने रिप्लेस कर लिया है टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे भी ग्रे एरिया है थोड़ा सा यहाँ पे भी ग्रे एरिया है ग्रे एरिया यहाँ पे भी है लेकिन आपने इसको इसी तरह ही समझना है अच्छा डब्ल्यू एम डी जो होते हैं डब्ल्यू एम जो होते हैं उनके अंदर कोई स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती दे आर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ठीक है एंड दे आर टोटली नॉन लिनियर दे आर टोटली नॉन लिनियर तो इससे पहले कि हम लीनियर और नॉन लिनियर को समझें तो पहले ये तो देखना कि लीनियर नॉन लिनियर होता क्या है क्या होता है वैसे लीनियर वैसे नॉन लिनियर क्या समझ आती है ये सुन के दो मुझे तो ये सबसे आसान समझ ये आती है कि एक गोली चली है वन शॉट हुआ है और एक बंदा जो है ना वो कत्ल हुआ है लीनियर रिलेशनशिप ठीक है लीनियर रिलेशनशिप स्मूथ रिलेशनशिप और नॉन लिनियर क्या होगा नॉन लिनियर क्या होगा कि एटम बॉम्ब का धमाका हुआ है, एटम का धमाका हुआ है और उसकी वजह से हंड्रेड ऑफ द पीपल जो है अच्छा थोड़ा सा ना थोड़ा सा ना ये भी देखो कि वेपन को अगर हम दो चीजों में डिवाइड करें कन्वेंशनल वेपन में और नॉन कन्वेंशनल जी अमीर सही कह रहे हो आप मिठू नॉन कन्वेंशनल में ठीक है कन्वेंशनल हमेशा क्या होगा कन्वेंशनल हमेशा क्या होगा पहली शर्त क्या होगी कंट्रोल्ड होगा गुली हमेशा कंट्रोल्ड होगी और नॉन कन्वेंशनल क्या होगा हमेशा अनकंट्रोल्ड इसका इंपैक्ट कैसा होगा लीनियर इंपैक्ट और इसका इंपैक्ट कैसा होगा नॉन लीनियर इंपैक्ट इसकी वजह से जो डैमेज होगा दैट वुड बी लिमिटेड डैमेज और इसकी वजह से जो डैमेज होगा दैट वुड बी अनलिमिटेड डैमेज इसका जो टारगेट होगा वो बड़ा स्पेसिफिक होगा जबकि जो इसका टारगेट होगा वो सारे ही रगड़े जाएंगे अनस्पेसिफिक मतलब मिलिट्री तो जो वहां पे होगी वो तो मरेगी ही मरेगी बल्कि मिलिट्री के साथ और क्या होगा बहुत ज्यादा कोलेट्रल डैमेज होगा आपने ना एक चीज सुनी होगी इंटरनेशनल ह्यूमेटेरियन लॉ है इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉ जिन लोगों का आयार होगा उसके चार मेन प्रिंसिपल्स हैं पता है कौन कौन से हैं There are four main principles of international humanitarian law. वो कहते हैं कि अगर जंग भी करनी है अगर जंग जंग भी करनी है अगर वेपन भी यूज करना है अगर वेपन भी यूज करना है अगर जंग भी लड़नी है तो जंग लड़ने के भी कुछ कायदों जवाब होने चाहिए जंग लड़ने के भी कुछ कायदों जवाब होने चाहिए पहला कायदा ये है कि जंग के अंदर वेपन्स के अंदर ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल हो। ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल हो कि बंदों को अन्य व रगड़ना दिया जाए देर मस्ट बी ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल जब भी वेपन यूज करना है जब भी वेपन यूज करना है तो उस वेपन के अंदर प्रिंसिपल माइंड में रखना है कि बंदे ज्यादा ना रगड़े जाए दूसरा मिलिट्री नेसेसिटी प्रिंसिपल कि क्या इसकी मिलिटेरली इस धमाके की जरूरत है भी सही कि नहीं इस इस, इस वेपन की जरूरत है भी सही कि नहीं नंबर वन की यार वो डिस्टिंक्शन होनी चाहिए प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये जो है ये सिविल पॉपुलेशन है और ये जो है ये मिलिट्री है यहाँ पे अटैक करना है और यहाँ पे अटैक नहीं करना और चौथी चीज जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल होना चाहिए कि कितने बंदे मारने हैं कितना उसका प्रोपोर्शन होना चाहिए साइज ऑफ अटैक कितना होना चाहिए अब मुझे यह बताओ कि जो तुम्हारे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है क्या वो इनमें से किसी एक प्रिंसिपल पे भी पूरा आते हैं नो, दैट्स वाई डब्ल्यू एम डीज आर डिक्लेयर एज इीगल बाय इंटरनेशनल ह्यूमटेरियन लॉ मैं जो तुम्हें अभी बता रहा था ना कि वेन यू आर सी एस पी या जब तैयारी कर रहे हो तो जो भी बात कर रहे हो वो के साथ करो तो देखो जब भी तुम ये कहोगे कि कहोगेगल तो आपसे पूछेगा हाउ सो नाउ बींग लाइक ऑफिसर टोल्ड हिम दैट वेपन And the usage of weapon has some principles. So, humanitarian, military, necessity, distinction and proportionality are the four principles of the usage of these weapons. And WMDs does not come under the any definition, under the, any principle. So, that's why when they don't come under any principle, they are illegal. So, in CSS, you have to relative कुछ ज्यादा ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल है कि बंदे बहुत ज्यादा ना मारे जाए मिलिट्री नेसेसिटी प्रिंसिपल है कि क्या वाकई ही उस अटैक की जरूरत है, नहीं है? Distinction कि नहीं है डिस्टिंक्शन के अगर अटैक की जरूरत है और अटैक हो भी गया है तो सिविल और मिलिट्री में प्रॉपर फर्क होना चाहिए नंबर फोर के उस अटैक से कितने लोग मारे जाएं उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए दैट मस्ट बी नॉन So, अगर हम अगर हम वार फेयर को वॉरफेयर को ऑन द बेसिस ऑफ वेपन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वेपन वॉरफेयर की कितनी टाइप्स बन जाएंगी कन्वेंशनल स्मार्ट और तीसरी कौन सी हो जाएगी डब्ल्यू एम डीज डब्ल्यू एम डीज के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं ए बी एंड सी अटोमिक बायोलॉजिकल एंड कैमिकल और अटामिक को ही हम न्यूक्लियर भी कहते हैं ये मैं आगे बताता हूं आपको ये मैं बच्चे आपको आगे बताता हूँ बेटा रिदा ये मैं आगे बताता हूं सो so, ये तो होगी अकॉर्डिंग टू वेपन ठीक है अब हम वॉरफेयर की टाइप्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी इसकी बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ठीक है थीके? So it's ten ten take a break up to ten thirty and we start 10. Chemical Chemical जी बिलाल क्या रिक्वेस्ट है बेटा या डिप्लोमेसी की टाइप्स लास्ट क्लास में बता तो दीदी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं यार उनको खुद भी सर्च करके देख लिया करो मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करवा देना हाँ रुशान बिल्कुल ये जो चीजें हैं ना असल में ये चीजें बड़ी वो है इनके अंदर इनके अंदर डेप्थ है इनके अंदर डेप्थ है ठीक है साइंस है तो कौन सी साइंस है आई सोशल साइंस है ठीक है और सोशल साइंस में कोई भी चीज एब्सल्यूट नहीं होती सोशल साइंस में हमेशा थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी ज़रूर होता है ठीक है तो आपने ये नहीं देखना कि किसी चीज़ को आप ब्रीफली बहुत ही जो है ना वो उसका स्कोप जो है ना उसको लिमिटेड कर दें तो ऐसा नहीं होता अब आप कहेंगे कि सर ये आप कैसे बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द थीरीज ऑफ आईआर तो क्या जो आईआर की थीरीज हैं, उनका स्कोप लिमिटेड है कि है? आप उनको मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते चलो ठीक हो गया गुड चलो टेक ए ब्रेक तो फिर हम देखते हैं ये आपने खुद करना बेटा वो कहता है कि यही दिल था जो तरसता था महाराज सिंह के लिए अब यही तर्क तल्लुक के बहाने ढूंढे यही दिल था जो तरसता था मरासिम के लिए अब यही है कि तर्क तल्लुक के बहाने ढूंढे चलो जी पढ़े आगे सही है पहले हमने वॉरफेयर की डिविजन्स देखी वॉरफेयर की हमने पहले डिविजन्स देखी अकॉर्डिंग टू वेपन अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी क्या है ठीक है so, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी देर आर अगेन टू टाइप ठीक है एक होती है एक होती है सिमेट्रिक वॉरफेयर और एक होती है एसमेट्रिक वॉरफेयर मतलब जिसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती पहले हम इनको देखते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है ठीक है ए सीट्रिक वॉरफेयर का यार आप लोग अब फोकस कर लो सिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर तीन चीजें होती हैं थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं ठीक है वॉरफेयर एज बेसिकली थ्री प्रिंसिपल्स नंबर वन आप अपने एनिमी को देखें कि एनिमी कौन है आइडेंटिफाई योर एनिमी ठीक है नंबर टू पे नंबर टू पे आप ये देखें कि उसको एनिमी को फाइंड करके उससे फाइट करें फाइट योर एनिमी दुश्मन से लड़ाई करें और नंबर थ्री है कि उससे आप जीत जाएं ठीक है विन ओवर ये वन ओवर योर एनिमी लेकिन ये जो विक्ट्री होगी ये होगी ऑन द बेसिस ये विक्ट्री होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ठीक है ये विक्ट्री होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सो so, इस चीज को मायने में रखते हुए आपने एक चीज देखना है कि इस तरीके से जो वॉर का रिलेशनशिप मतलब जो ज्यादा तादाद में होंगे जो लोग ज्यादा होंगे जिस साइड पे लोग ज्यादा होंगे वो साइड जीत जाएगी विक्ट्री ऑन द बेस ऑफ नंबर हो ना कोई स्ट्रेटजी कोई चीज नहीं है तो इस चीज के अंदर इस चीज के अंदर जो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो कौन सा होगा लीनियर या नॉन लिनियर लीनियर होगा ना यार नॉन लीनियर क्यों होगा देखो ना जिसके पास ज्यादा बंदे होंगे ठीक है वो जीत जाएगा वन एंड वन हो गए वन एंड वन की गेम होगी वन ऑन वन की गेम होगी ना लीनियर सीधा सीधा रिलेशनशिप डेवलप होगा सीधा सीधा रिलेशनशिप डेवलप होगा ना

जिसमें वन ऑफ वन होता है मतलब एक गोली एक शॉट एक बंदा मर गया ठीक है ये नहीं होता कि धमाका हुआ है एटॉमिक बम तो सारे के सारे मर गए नॉन लीनियर नॉन लिनियर बहुत जिसमें अन्य वा चीजें खराब हो जाती है जैसे मैं अभी एस मेट्रिक पढ़ाता हूँ ना फिर तुम लोगों को यह सही समझ आएगी अगर हम अभी एस की तरफ जाएं, अगर हम ए सिमेट्रिक की तरफ जाएं तो सिमेट्रिक का पहला प्रिंसिपल था सिमेट्रिक का पहला प्रिंसिपल था कि आइडेंटिफाई योर एनिमी ठीक है अब ए सिमेट्रिक का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप पता ही ना चलने दें नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू आप उसको पता ही ना चलने दें कि आपका एनिमी कौन है नंबर टू उसका प्रिंसिपल क्या था कि फाइट योर एनिमी ठीक है तो यहाँ पे तो वहां पे तो ये था कि आमने सामने आए साफ बंदी हो प्रॉपर साफ बंदी हो यहाँ पे ये यह होगा कि नेवर कम एंड फाइट डायरेक्टली कभी भी डायरेक्ट वार आप लड़े ना ये इस मेट्री होती है और वहां पे वहां पे था कि नंबर पे बेस पे था यहाँ पे नंबर्स जो हैं नंबर जो हैं दी नंबर जो हैं वो दे डू नॉट मैटर क्योंकि जब तक भी कोई एक बंदा भी बचा होगा तो वो बंदा कहेगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त मतलब आप ये कह लो कि जो भी गुरिल्ला वारफेयर होती है जो छुप के लड़नी होती है उस हिसाब से अब इसको अंडरस्टैंड करो में क्या अपने एनिमी के सामने आना होता है नहीं आना होता क्या आप डायरेक्टली अपने एनिमी से आकर लड़ते हैं नहीं लड़ते और नंबर का तो आपके एनिमी को पता ही नहीं होता क्योंकि वारफेयर में जो मेन चीज होती है दैट इज सरप्राइज क्या आप हर टाइम अगले बंदे को सरप्राइज देते हैं हर टाइम अपने बंदे को सरप्राइज देते हैं जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. सो so, इस बेस पे हम वापस आते हैं इस बेस पे अगर हम वापस आएंगे तो जी जी बिल्कुल अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें पहले हमने क्लासिफिकेशन की वॉरफेयर की यार बच्चे उसने ये बीजीएम लिखा हुआ था ना ये उसने नाम लिखा हुआ था तो मैंने क्लियरली बताया कि नोट नंबर नहीं लिखोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा अब वो दोबारा एंटर भी नहीं हो सकेगी तो मैं रिपीट करता हूँ कि टीना बच्चे तरीके से इसको सुन लेना तो अब उसको समझा देना ये जो टाइप्स ऑफ वॉरफेयर हैं टाइप्स ऑफ वॉरफेयर हैं ठीक है इसको हमने दो तरीके से पढ़ा एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ वेपन ठीक है जिसकी बेस पर मैंने डिवाइड किया इसको कन्वेंशनल वेपन में और स्मार्ट वेपन में और यहाँ पे डब्ल्यू में और जो दूसरा तरीका है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी भी हमने दो तरीके से देखी एक हमने देखी सिमेट्रिक वॉरफेयर और दूसरी हम देख रहे हैं ए वॉरफेयर सिमेट्रिक वॉरफेयर तो सिंपल सिंपल है ये तो क्लियरली समझ तुम लोगों को आ गई अच्छा सिमेट्रिक वॉरफेयर अब मुझे ये बताओ कि कन्वेंशनल होगी कि अनकन्वेंशनल होगी कन्वेंशनल होगी ठीक है और जो ये वाली वार होगी एस मेट्रिक क्या ये कन्वेंशनल होगी या अनकन्वेंशनल होगी एस मेट्रिक अनकन्वेंट्रिक वॉरफेर में तीन चीजें तीन किस्म की चीजें आती हैं। एक होती है इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी दूसरी होती है गुरिला और जो तीसरी टाइप होती है दैट इज टेररिज्म। इन तीनों को जब तुमने पढ़ रहा होना है इंसर्जेंसी को ग्रिला को और टेररिज्म को तो बेसिक अपने माइंड में ये थीम रखो नंबर वन नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू कि अपने आपने पता नहीं चलने देना कि आपका एनिमी कौन सा है नंबर वन डायरेक्टली आके कभी भी फाइट नहीं करनी नंबर थ्री नंबर जो है वो मैटर नहीं करता जब तक भी एक भी बंदा बचा हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि एक खुदकश करोड़ों लोगों को सॉरी सैकड़ों लोगों को मार सकता है तो इंसर्जेंसी के अंदर जो मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है हिट करो रन करो और छुप जाओ हिट रन एंड हाइट बैकग्राउंड सारा कुछ क्लियर हो गया इकराम स्टेट्स तो हमेशा अगेंस्ट होंगी ना स्टेट के अगेंस्ट तो हमेशा अनकनवेंशनल वार हो रही होती है पीछे घुमा के ले जाना की डेफिनेशन क्या बताइए कि स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है चलो शाबाश की जाती है। और एक बात आपने याद रखनी है कि इंसर्जेंसी जब पीक पकड़ती है इंसर्जेंसी जब पीक पकड़ती है तो मोस्टली मोस्टली वो ग्रीला वारफेयर में कन्वर्ट हो जाती है मोस्टली वो ग्रीला वारफेयर में कन्वर्ट हो जाती है अब ग्रीला वारफेयर में क्या होने लग जाता है कि आप हिट तो करते हैं लेकिन हिट करने के साथ साथ आप इंगेजमेंट भी करना शुरू कर देते हैं आप भागते नहीं है आप उनको इंगेज भी करते हैं और इंगेज करके अपने दुश्मन को उसको हरा के आप हॉले हौले, हौले सेटल होने लग जाते हैं मतलब देखो जो हमारी बीएलए है अभी वो इंसर्जेंट है इंसर्जेंसी है, इंसर्जंट है। लेकिन अगर बीएलए ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाएगी तो वो प्रॉपर वहां पे एंगेजमेंट करके वहां पे सेटल भी होना स्टार्ट हो जाएगी इसके लिए जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो है वेट कॉम। वेट वेटकॉम जो थे वो नॉर्थ वियतनाम में थे वो प्रॉपर हिट भी करते थे प्रॉपर एंगेज भी होते थे उनके साथ और वहां पे सेटल भी होने लग जाते थे बीएलए بلوچستان लिबरेशन आर्मी जो हमारे बलोचिस्तान में लिबरेशन आर्मी है उसको बी एल ए कहते हैं और टेररिज्म के अंदर आपने एक बात याद रखनी है टेररिज्म की पूरी डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब हम वार ऑन टेररिज्म पढ़ रहे होंगे टेररिज्म के बारे में आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के बाद जो लोग आपको डराते थे ना कि टेररिज्म पे ऐसे नहीं करना ये होता वो होता है मैं आपको टेररिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा और आपको ये प्रूव करवाऊंगा कि टेररिज्म का मुस्लिम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है टेररिज्म इज नॉट अ मुस्लिम कॉन्सेप्ट टेररिज्म के अंदर जो एक मेन चीज इन्वॉल्व होती है दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर टेररिज्म जिस चीज के साथ खेलता है वो लोगों की साइकोलॉजीज हैं टेरिज्म लोगों को इंटीमडेट करके रखता है उनको डरा के रखता है ये टेररिज्म की सबसे मेजर जो है ना वो टाइप है जी जी बिल्कुल अगर किसी को याद हो जिन्होंने यूएस हिस्ट्री नहीं पढ़ी उनके लिए तो सॉरी बाकी जिन जिनको याद आ रहा हो तो याद है कोकुल टेररिस्ट एक्टिविटी जी बिल्कुल बोकोराम ये वो ये हम ये हम बाद में प्रूव करेंगे प्रॉपर तरीके से ये बाद में प्रॉपर तरीके से प्रूव करेंगे बच्चों एक मिनट जस्ट मी वन मिनट ठीक है तो हमने वॉर की भी टाइप्स की कौन रिवाइज करेगा वॉर की टाइप्स शाबाश, टोटल वॉर लिमिटेड वॉर सिविल वॉर एंड प्रॉक्सी वॉर, ठीक है उसके बाद हमने वॉरफेयर की भी क्लासिफिकेशन की वॉरफेयर की क्लासिफिकेशन की दो तरीकों से ऑन द बेसिस ऑफ वेपन ऑन द बेसिस ऑफ वेपन हमने डिव, डिवाइड किया किसमें कन्वेंशनल वेपन में और स्मार्ट वेपन में और डब्ल्यू एम डीज में और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी हमने दो क्लासिफिकेशन की नंबर वन सिमेट्रिक वारफेयर नंबर टू ए सट्रिक वॉरफेयर और फिर हमने एसमेट्रिक को मजीद डिफाइन किया हमने इस ट्रिक को डिवाइड किया इंसर्जेंसी में और गुरीला वॉरफेयर में और टेररिज्म में अब क्वेश्चन आया ना तो उसकी ए टू ले के जी तक उसको अटेम्प्ट करना है और अभी जो एक चीज रह गई है एक चीज रह गई है एंड दैट इज दैट इज दैट इज वॉर generations ऑफ वॉर बच्चों जनरेशन ऑफ वॉरफेर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ठीक है देखो जनरेशन क्या मतलब होता है नस्लें एक नस्ल दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल चौथी नस्ल पांचवी नस्ल ठीक है जी लेवल इसी तरह वॉर की भी जनरेशन होंगी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन अच्छा अब अपने जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है फर्स्ट जनरेशन की बेस पे सोचो कि फर्स्ट जनरेशन कैसी वॉर होगी शाबाश कन्वेंशनल वॉर कन्वेंशनल नहीं ना न्यूक्लियर क्या कहा से आ गया कन्वेंशनल वॉर ठीक है जिसके अंदर जिसके अंदर लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स यूज होंगे जिसके अंदर लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स यूज लाइन मतलब मतलबी होगी सफबंदी होगी ठीक है फौजों के सामने फौज खड़ी होगी ठीक है और जो वेपन यूज होगा वो कन्वेंशनल वेपन यूज होगा जैसे गजवात होते थे जितने भी वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है ये तुम्हें फर्स्ट जनरेशन कभी भी समझ ना आती अगर तुम्हें वॉर्स की टाइप वॉरफेयर्स की टाइप और वेपन्स की टाइप समझ ना आती सो नाउ इट इज क्लियर कि व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन वॉर शाबाश वेरी गुड ठीक है इसलिए मैंने करवाना सिर्फ जनरेशन था लेकिन ये समझ ही नहीं आना था जब तक तुम्हारा बैकग्राउंड ना क्लियर होता तो इसलिए बैकग्राउंड पे दो घंटे लग गए हैं उसके बाद सेकेंड जनरेशन वॉर आई सेकेंड जनरेशन वॉर आई अब 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 खुद सोचो अब खुद सोचो कि क्या चीज चेंज हुई होगी तो सेकेंड जनरेशन मतलब मोबाइल है ना मोबाइल पहले एंड्रॉयड नहीं थे अब एंड्रॉयड हुए तो जनरेशन चेंज होगी शाबाश वेरी गुड वेपन चेंज हुए वेपन चेंज हुए तो सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होगी इसके अंदर स्पीड होगी इसके अंदर सरप्राइज होगा और इसके अंदर मेंटल एबिलिटीज यूज होंगी ठीक है इसका मतलब है स्पीड किस चीज की स्पीड टैंक्स की स्पीड एरो शिप है फाइटिंग फाइटिंग जेट है उनकी स्पीड स्पीड किसकी स्पीड एडवांस मिलिट्री की स्पीड सरप्राइज कैसा कि आप उस वेपन की प्लेसमेंट कैसे करते हैं ठीक है आप अपने वेपन को कहां प्लेस करते हैं ठीक है और उसके बाद मेंटल एबिलिटीज कि आप जो है वो कैसे बनाते हैं आप मुझे बताओ कि फर्स्ट वार फिर फर्स्ट जनरेशन तो थी कन्वेंशनल कन्वेंशनल सॉरी मतलब कन्वेंशनल और ये कौन सी ये कौन सी टाइप हो जाएगी सॉर्ट sort ऑफ of?

कि स्मार्ट में और अनकन्वेंशनल में क्या फर्क होगा स्मार्ट कौन सी होगी सेकेंड जनरेशन वॉर ठीक है और अनकन्वेंशनल कौन सी होगी इकोनॉमिक वॉर ट्रेड वॉर और ये सारी वॉर अनकन्वेंशनल होगी मिलिट्री नहीं आएगी समझ आई बात बच्चे बहुत कम होती थी बहुत कम होती थी बहुत कम होती थी फर्स्ट में ना आपने एक बात याद रखनी है फर्स्ट में जो मेन चीज जो होती है ना वो नंबर होता था नंबर सेकंड में जो मेन चीज होती थी ना वो होती थी ये स्ट्रेटेजी देखो फर्स्ट में सिर्फ लाइन एंड कॉलम है फर्स्ट में आपका वो वाला वेपन नहीं है फर्स्ट में आपका वो आपके पास वो वेपन भी नहीं है फर्स्ट में आपके पास वो स्ट्रेटजी भी नहीं है ये सारी चीजें आपके पास सेकेंड जनरेशन में आई हैं जिसमें आपने स्पीड भी गेन की है जिसके अंदर आपने स्पीड भी गेन की है और जिसके अंदर आपने ये सारा कुछ किया है समझ आई बात अच्छा थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है ना थर्ड जो 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 थर्ड जनरेशन है थर्ड जनरेशन इज इक्वल टू सेकंड जनरेशन ये इसने मेरा इतना दिमाग खराब किया मेरा इतना दिमाग खराब किया मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया फिर जाके मुझे समझ आई कि थर्ड जनरेशन वॉर क्या थी थर्ड जनरेशन वॉर इज इक्वल टू सेकेंड जनरेशन वॉर वही स्पीड सरप्राइज एंड मेंटल एबिलिटी तो फिर इसमें फर्क क्या था फर्क क्या था सिर्फ आपने इतना याद रखना है सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि थर्ड जनरेशन वही सेकेंड जनरेशन वाली वॉर थी

ठीक है ब्लेड्स का मतलब होता है रोशनी ठीक है ब्लेड्स का मतलब होता है रोशनी और क्री का मतलब होता है जंग मतलब वो जंग जो स्पीड ऑफ लाइट से लड़ी गई उसको कहते हैं ब्लेड्स क्री और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर कि आर्मी ने जो तरीका अपनाया था जो मेथड फॉलो किया था मेथड इज़ कॉल्ड थर्ड जनरेशन वॉर आई रिपीट, थर्ड वॉर में और सेकेंड जनरेशन वॉर में कोई फर्क नहीं है सिर्फ इतना फर्क है कि थर्ड वॉर इज़ द जर्मन वर्जन ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉर इन वर्ल्ड वार टू एंड दिस इज कॉल्ड ब्लिड्स क्रीक ब्लिड्स का मतलब होता है रोशनी और करीब का मतलब होता है जंग मतलब जो वो जंग जो स्पीड ऑफ लाइट से यूज की इसमें होता क्या था इसमें होता ये था कि ये कोई प्लेस है और अगर यहाँ पे जर्मन ने अटैक करना तो था तो ऊपर से जो जर्मन जहाज थे जिनको कहते थे जर्मन लुफ्ट मतलब तो ऊपर से जो उनकी आर्मी थी जो उनकी जर्मन एयरफोर्स थी वो अटैक करती थी ठीक है और कहते हैं उससे लाइट प्रोड्यूस होती थी और पीछे से उनके टैंक सारे होते थे ठीक है और वो अगले बंदे को संभलने का मौका ही नहीं देते थे यू मी कि उन्होंने छ महीनों में इन ओनली सिक्स मंथ्स पता कितने कंट्री पे कब्जा किया दे ऑक्युपाइड एलेवन हेल कंट्रीज माय गॉड कहते हैं हिटलर को अगर किस्मत न हराती तो हिटलर को कोई नहीं हरा सकता था किस्मत बिचारी दगा करके इसके साथ सो आई होप तुम्हें थर्ड जनरेशन समझ आ गई ठीक हो गया देखो थर्ड जनरेशन में कोई फर्क है टैंक तो टैंक तो हमने पे यूज किए हैं टैंक तो हमने सेकंड जनरेशन में भी यूज किए किए ना और और एयरफोर्स हमने सेकेंड जनरेशन में भी यूज की है की है ना तो सेकेंड और थर्ड में क्या फर्क हो गया सेकेंड थर्ड में क्या फर्क हो गया कि थर्ड जनरेशन इज द जर्मन वर्जन ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर समझ आ गई तो अगर हम थोड़ा सा वीर करें फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी वो कन्वेंशनल वॉर कन्वेंशनल जिसके अंदर सफ बंदी होती थी बंदे के सामने बंदा खड़ा जिनको नहीं समझ वो दोबारा समझ लो ना बंदे के सामने बंदा खड़ा होता था ठीक है और जंग जो है वो कन्वेंशनल वेपन से लड़ी जाती थी जंग जो है वो कन्वेंशनल वेपन से लड़ी जाती थी ठीक हो गया और सेकंड जनरेशन वॉर जो है वेपन के अंदर एडवांसमेंट आई वेपन्स के अंदर एडवांसमेंट आई और वेपन्स में एडवांसमेंट की वजह से यहां पे स्पीड आई स्पीड के साथ साथ यहाँ पे मेंटल एबिलिटी मतलब स्ट्रेटजी आई और उसके साथ साथ यहाँ पे जो तीसरी चीज ऐड हुई वो यहाँ पे सरप्राइज वो ऐड हुआ मतलब दिस ऑफ मॉडर्न वॉर ठीक है और जो तीसरी चीज तुमने बताई थर्ड जनरेशन वॉरफेयर तो उसमें तुम्हें ये बताया कि तुमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी लिखनी है एंड दिस टेक्नोलॉजी ठीक है बाकी इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं है दिस थर्ड जनरेशन वॉर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेकेंड जनरेशन बस आपने ये लिखना है कि ये जो है ये जर्मन एयर फोर्स सॉरी जर्मन का वर्ल्ड वॉर टू में फाइटिंग स्टाइल था इस ये बता तो दिए आप लोगों को खैर ये दोबारा मैं क्लियर कर दूंगा अब इसको समझो मैं एंड पे ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं एंड पे ना वो फ्लो चार्ट बना के ना फ्लो चार्ट बना के मैं क्लियर कर दूंगा डोंट वरी डोंट वरी मैं जिस वो रियलिज्म वाला और वो सारे फ्लोर चार्ट बनाते थे, थे न, ना मैं फ्लोर चार्ट बनवा के क्लियर कर दूंगा ठीक है फ्लो चार्ट बनवा के, के क्लियर कर लेंगे अच्छा द नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर अच्छा अब इससे थोड़ा सा आगे आओ अपने आप को अब पुरानी वॉर से निकाल लो अपने आप को पुरानी वॉर से निकाल लो इस वॉर के अंदर आर्मी नहीं इन्वॉल्व होती अब अपने आप पहले यहाँ पे हर जगह पे आर्मी है अब अपने आप को आर्मी से निकाल लो अब अपने आप को आर्मी से निकाल लो बस एक बात याद रखनी है कि ये पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पे लड़ी जाती है पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पे लड़ी जाती है ठीक है आपको ये पता ही ना चले कि जो अल्ताफ भाई है मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा जिस बात समझा रहा हूं ये जो भी कोई आपके आपके मुल्क के अंदर जो बंदा है मतलब आपको पता ही ना चले कि जो मौलवी है वो मौलवी बारूद वाला है या वो मौलवी दरूद दरूद वाला है दरूद का पता है ना आपको मौली फजल रहमान का पता ना चले कि वो दरूद वाला है कि बरूद वाला है ठीक है इट्स सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर इट इज सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर और जहां पे भी जहां पे भी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन होगी वहां पे वो लोग इन करेंगे और ये, मैं ये मैं मैं, मैं क्लियर करता हूँ बस पहले इस बात को समझो फिर जी मैं क्लियर करता हूँ इसको मैं अलग से क्लियर करूंगा फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन इस चीज के अंदर एक मेन चीज ऐड होगी जो आप बार बार सुनते हो क्या होगा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा किस चीज का सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमी मतलब जिस वॉर के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे सॉर्ट सॉर्ट ऑफ ऑफ इट जिस वॉर के अंदर आपके मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे दैट वुड बी नोन एज फिफ्थ मतलब जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है उसके जरिए उसके जरिए सच को सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाएगा इंडिया जो है इंडिया जो है वो एफटीएफ में हमारे अगेंस्ट लॉबिंग करेगा एफ में हमारे अगेंस्ट लॉबिंग करेगा और फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी हमारे अगेंस्ट नहीं लड़ रहा होता बल्कि हमारे अपने लोग ही हमारे अगेंस्ट जंग लड़ रहे होते हैं और इसके अंदर जो मेन टारगेट होता है जो मेन टारगेट होता है वो इसरार काकड़ जैसे यूथ जो होती है वो होती है मेन टारगेट चलो अब ना मुझे तुम्हारे माइंड में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जो तो तुम्हारे माइंड में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं टेबल बना लो अपना मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका टेबल बना लो अपना लिख लो कौन-कौन सी -कौन बीमार है फर्स्ट जनरेशन सॉरी यहां पे लिख लो जनरेशन लाइन लगा लो यहां पे लिख लो अपना वेपन कैसा होगा और यहां पे लिख लो टैक्टिक कौन सी यूज होगी ये ठीक है ना तरीका क्लियर हो जाएगा ना ऐसे लेकिन करवाना मुझे तुमने है करवाना ये तुम लोगों ने है मुझे ये बताओ कि जो फर्स्ट जनरेशन है जो फर्स्ट जेनरेशन है वो उसके अंदर वेपन कन्वेंशनल यूज होगा कि अनकन्वेंशनल यूज होगा कन्वेंशनल वेपन ठीक है और जो वॉर होगी वो कन्वेंशनल होगी अनकन्वेंशनल होगी कन्वेंशनल होगी क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है हमने लाइन एंड कॉलम करना है इसको मैं लीनियर वॉर कह सकता हूं लीनियर वॉरफेयर कह सकते हैं हम अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट जनर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए इतनी सी बात ही परेशान हो गए जनरेशन वेपन तुम्हारा कैसा हो गया वेपन की मैंने तुम्हें तीन टाइप्स पढ़ाई थी वेपन की तीन टाइप्स पढ़ाई थी कन्वेंशनल स्मार्ट एंड WMDs. Conventional smart WMD. Conventional smart WMD. तो यहाँ पे कौन सा आएगा Smart, smart weapon. और जो जंग है यहाँ पे तुम्हारा पता चलता है जंग जो है क्या वो सिमेट्रिक होगी अनसिमेट्रिक होगी जंग सिमेट्रिक होगी अनसिमेट्रिक होगी सिमेट्रिक वेरी गुड वेरी गुड शाबाश 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 इतनी सी बात थी और जंग लिनियर होगी नॉन लिनियर होगी लीनियर नॉन लिनियर नॉन लिनियर क्यों होगी लीनियर ही होगी बच्चे लीनियर ही होगी अभी भी बंदे के सामने बंदा खड़ा है बंदे के सामने बंदा खड़ा है बंदे के सामने बंदा खड़ा है ठीक है बंदे के सामने बंदा खड़ा है डब्ल्यू एम डी किसी भी जनरेशन में नहीं आएंगे एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा लीगल है इलीगल है? है, है? है इसलिए तुमने उनको कहीं भी मेंशन नहीं करना कहीं भी मेंशन नहीं करना जी असद क्या क्वेश्चन है बेटा असद क्या क्वेश्चन है बेटा यार हाइब्रिड वार फिफ्थ जनरेशन को हाइब्रिड वार कहते हैं सुलेमान फिफ्थ जनरेशन को हाइब्रिड वार ही कहते हैं चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को जी जी लीनियर ही है टैंक सामने खड़ा है और उधर भी सामने टैंक खड़ा है तो इट्स लीनियर टैंक के सामने टैंक खड़ा है ना लीनियर है मतलब तो तो आप लोग हाइब्रिड से कंफ्यूज ना हो हाइब्रिड से कंफ्यूज ना हो हाइब्रिड ये होती है हाइब्रिड वॉरफेयर ये होता है देखो मेरे पास गाड़ी है कौन सी होंडा विजल है ठीक है अब विजल जो है वो हाइब्रिड है ठीक है हाइब्रिड का क्या मतलब है कि वो पेट्रोल से भी चलती है और वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है बिजली से भी चलती है ठीक है फ्यूज फ्यूल कम यूज करती है अच्छा अब जो जो हाइब्रिड वॉरफेयर होती है जो हाइब्रिड वॉरफेयर होती है ये कंबिनेशन हो गया ना हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर भी कंबिनेशन होता है हाइब्रिड वॉरफेयर भी कंबिनेशन होता है कि जब आपके साथ आपका दुश्मन फर्स्ट जनरेशन वॉर भी स्टार्ट कर दे सेकंड जनरेशन भी कर दे थर्ड जनरेशन भी कर दे मतलब उसके पास जितने ज्यादा मैक्सिमम सोर्सेज हों जितने ज्यादा उसके पास मैक्सिमम सोर्सेज हों वो आपके अगेंस्ट यूज करना स्टार्ट कर दे जैसे बच्चों को पैसे भी देने लग जाता है कि आप एंटी पाकिस्तान बातें करो ठीक है और उसके साथ हमारे सोशल मीडिया को भी छेड़ने लग जाता है तो हैब्रिड वॉरफेयर ये होता है कि जब आपका दुश्मन एक टूल पे ना रहे जब आपको दुश्मन एक टूल पे ना रहे जब उसके पास जितने भी उसके पास जो जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज करने लग जाए जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज करने लग जाए दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड वॉरफेयर अब, रहो। अब थर्ड जनरेशन पे आओ थर्ड जनरेशन में कोई फर्क नहीं है मैंने कहा थर्ड जनरेशन में कोई फर्क नहीं है यहां पे क्या आएगा वही स्मार्ट वेपन सिमेट्रिक वॉरफेयर एंड लीनियर वॉरफेयर आप इसको ले जाओ फोर्थ पे आप इसको ले जाओ फोर्थ जनरेशन पे और अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा मुझे ये बताओ कि फोर्थ जनरेशन में कौन सा वेपन यूज होगा रिदा प्लस वेरी गुड शाबाश जितने के जितना सोना था ना वो जितना पहले पढ़ा था और जितना अगली क्लासेस सारी में पढ़ा हुआ है वो सारे का सारा सोना आपका हुआ उल्लू के बटो इसके ना तो वेपन यूज होगा ही नहीं वेपन अगर यूज भी होगा वेपन अगर यूज भी होगा तो उसका सिग्निफिकेंट यूज हमें तो पता नहीं चलेगा हमें तो पता नहीं चलेगा कौन सा वेपन यूज हो रहा है Because ये जो वॉर है ये जो वॉर है ये तो वेपन से लड़ी नहीं जा रही ये जंग तो वेपन से लड़ी नहीं जा रही तुम लोगों ने इस तरफ सोचा ही नहीं यार रटू तो खुदा का खौफ करो कोई हया करो इतना दुख हो रहा है यार मुझे इतनी मैं तीन घंटे से कवाली कर रहा हूँ तीन घंटे से कवाली कर रहा हूँ मतलब पोलिटिकल पोलिटिकल मीन यूज करने है उसके कौन सा व्यापन तुम लोगों ने यूज करना है शरम आ रही है थाड़ी -थाड़ी? शरम होती है होती कोई हया होती है और अब यहां बताओ कन्वेंशनल लिखो अनकन्वेंशनल लिखो कन्वेंशनल लिखो अनकन्वेंशनल लिखो हाँ अब सच सही हुआ ना अनकन्वेंशनल लीनियर लिखो नॉन लिनियर लिखो लीनियर लिखो नॉन लिनियर नॉन लिनियर अब बायो लाइन पे जब तक भी एक बंदा बाकी है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरी तो अपनी फिफ्थ जनरेशन में बताओ फिफ्थ में वेपन कौन सा वेपन कौन सा नॉट सिग्निफिकेंट और टाइप कौन सी अनकन्वेंशनल और यहां पे मैं स्टार बना रहा हूं स्टार बना रहा हूं डब्ल्यू एम डीज नहीं यूज किए डब्ल्यू एम डीज नहीं यूज किए सो so, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस तो सारे को हम सम करें अभी तक जितना बड़ा है उस सारे को सम करें ठीक है आज हमारी क्लास कहां से शुरू हुई क्लास कहां से शुरू हुई थी टाइप्स ऑफ से ठीक है तो टाइप्स ऑफ वॉर कौन कौन सी हैं जनरल hmm? या टोटल ठीक है और लिमिटेड और सिविल और प्रॉक्सी और प्रॉक्सी कैसे कामयाब होगी प्रॉक्सी कैसे कामयाब होगी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वेपन सप्लाई ऑफ फाइनस ट्रेनिंग और मेजोरिटी अगेंस्ट द स्टेट ठीक है और ये सारी वॉर्स ये सारी वॉर्स ये चारों के चारों वॉर्स ये चारों के चारों वॉर्स किस तरीके से लड़ी जाएंगी ये चारों के चारों वॉर्स किस तरीके से लड़ी जाएंगी तो हमारी पे हमने क्या पढ़ा हमने अपनी टाइप्स ऑफ वॉरफेयर पढ़ा ये सारी वॉर्स किस तरीके से लड़ी जाएंगी हमने टाइप्स ऑफ वॉरफेयर पढ़ा और फिर हमारे टाइप्स दो तरीके में हो गई ठीक है एक हमने कौन सी पढ़ी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ वेपन और दूसरा कौन सा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of tactics, on the basis of strategy. ठीक है सो so, जब हम वेपन पे आए जब हम वेपन पे आए तो हमने वेपन को तीन में डिवाइड किया नंबर वन कन्वेंशनल कन्वेंशनल वेपन नंबर टू स्मार्ट वेपन एंड नंबर थ्री डब्ल्यू एम डीज ठीक है और हमने स्ट्रेटजी की बेस पे दो टाइप्स रखी एक को हमने कहा कन्वेंशनल या उसको हमने कहा सिमेट्रिकल और एक को हमने कहा नॉन कन्वेंशनल या एसमेट्रिक ठीक हो क्या और उसके बाद हमने कहा कि जो कन्वेंशनल वेपन है जो कन्वेंशनल वेपन है उससे किस जनरेशन की वॉल जाती है अब जनरेशन पे भी आ जाए ताकि वो भी वो भी क्लियर हो जाए ताकि जनरेशन भी क्लियर हो जाए उससे किस जनरेशन की वॉल जाती है फर्स्ट जनरेशन की जिसके अंदर क्या किया जाता है इसके अंदर तकनीक क्या होती है लाइन एंड कॉलम लाइन एंड कॉलम टेक्निक ठीक है और जो स्मार्ट वेपन होता है उससे किस जनरेशन की वॉल जाती है सेकेंड और सेकेंड और दोनों ना सेकेंड और थर्ड स्मार्ट वेपन से और थर्ड और जो डब्ल्यू एम डी है उससे कोई वार नहीं लड़ी जाती हाँ टाइप्स होती हैं न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल अब इतना आ जाओ जब कन्वेंशनल की बात करेंगे जब कन्वेंशनल की बात करेंगे कन्वेंशनल की बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी जनरेशन आएंगी कौन कौन सी जनरेशन आएगी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ठीक है और जब नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे तो यहां पे कौन कौन सी आ जाएंगी फोर्थ एंड फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ ठीक है अच्छा आखिरी चीज है आखिरी चीज है ये जो पहला मैंने लिखा कि वेपन की बेस पे जो कन्वेंशनल होगी वेपन की बेस पे जो कन्वेंशनल होगी जिसके अंदर लाइन एंड टेक्निक यूज होंगे क्या वो लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी लीनियर शाबाश ठीक है और फिर वेपन की बेस पे जो ये स्मार्ट वार होगी सेकंड जनरेशन वो लीनियर कि नॉन लिनियर ठीक है और ही जो हमने यूज नहीं करनी लेकिन बस मुझे बता दो कि ये कौन सी होगी ये वाली कौन सी होगी नॉन लिनियर नॉन लीनियर ठीक है अच्छा आप आगे आओ ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स जो ये वाली वॉर होगी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कन्वेंशनल वेपन के जरिए वो कौन सी होगी लीनियर और ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ होगी ये कौन सी होगी मिलेगा ऐसा उस्ताद जो क्लास के एंड में कंसेप्टली याद करवा दे कि यार ये ये होता है फिर भी तुम मेरे कमर पीछे शिकवे करो कि यार बिलाल बाहर जो है हो दुख तो होता है ना फिर दुख बनता भी है फिर Bandana ना ¿Qué कि no banda? <coughs> <laughs> वेरी गुड यार भाई अब ना कोई क्वेश्चन करो अब तीन दफा तरपीज कर दिया प्लीज अब नहीं अब नहीं अब कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं ये अब जाती है तीन दफा रिपीट करके भी क्वेश्चन आता तो फिर ये जाती है है ना ये जाती क्या मतलब क्लास एंड करनी है ये कागज ऑफ वॉर किसने पढ़नी है अभी बेटा कागज ऑफ वॉर रहती है जरा ये आपको मैंने सत्तर सौ दफा बताया है बेटा कि मैं क्वेश्चन सारे खुद करवाऊंगा क्वेश्चन में सारे खुद करवाऊंगा जस्ट वेट ऑन इसको थोड़ी सी दस बारह क्लासेस होने दो हम मैं पूरी दो क्लासेस क्वेश्चन में रख लूंगा बस चलो ठीक है यार मेजोरिटी इज अथॉरिटी आज मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन ना आज के बाद नहीं खत्म होगी देखो कहते हैं एक दिन की ना जो है ना वो आदत बन जाती है एक दिन दो दो दिन खत्म की है तो आज तो गए हो चलो ठीक है कोई बात नहीं डजेंट मैटर तो यार टीना आई एम वेरी सॉरी बतूल बतूल को मेरी तरफ से सॉरी बोलना लेकिन देखो गलती बतूल की है मैंने जब कहा भी सही कि अब देखो आयशा है आयशा को रखा हुआ है तो जब आयशा है रखी हुई तो फिर आयशा का क्या पर्पज है कि अगर फिर जो है ना देर देर शुड बीडीज बी तो फिर गलत बात है तो फिर उनको तो उसको कौन आ कि उसे सरी किया करे और यार एक बात है आई एम वेरी सॉरी और मैं ये बड़े हैवी हार्ट के साथ कह रहा हूँ तो तुम इसको एक्सेप्ट करो फिर भी तुम्हारी मर्जी है ना एक्सेप्ट करो फिर भी थोड़ी मर्जी है ये क्लासेस के हवाले से ना तुमने मुझे थोड़ा सा एज देना है ऊपर रखना है मुझे क्योंकि ना मेरे और काफी सारे काम चल रहे होते हैं ट्रेनिंग भी चल रही है प्रेजेंटेशन वगैरह भी आजकल चल रही है और अभी मैं जवान भी हूँ तो कुछ और कमिटमेंट्स भी होती हैं तो थोड़ा सा ना क्लासेस के हिसाब से मुझे लिवरेज दिया करो कि थोड़ा मैनेज किया जिस तरह मैं कहा करूँ उस मान लिया करो ठीक है कोई बात नहीं हम इसको नेक्स्ट टाइम भी खत्म कर लेंगे और कोर्स हमारा बड़ा अच्छा जा रहा है बड़ा वेल टाइम पे जा रहा है हम चौदह क्लासेस में इनशाला पंद्रह क्लासेस में कोर्स खत्म कर लेंगे और हम एक पूरी क्लास जो है ना वो सारा कर लेंगे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे ठीक है मैं आखिरी क्लास में शेयर कर दूंगा और बच्चों यार प्लीज ने अपने रोल नंबर के साथ जो है ना वो ऐड करना है Uh, असल में ये जो पेपर पेपर सारे बच्चे करते हैं ना वो करते ये वाले हैं अह फिफ्थ बैच वाले जो पहले से हैं उनको पता है कि मेरा मैकेनिज्म क्या है डोंट वरी जी कल क्लास नहीं होगी परसों हमारी क्लास होगी ऑन मंडे वी वुड हैव अ क्लास टीना बच्चे वो वो जो है ना वो नहीं ना लिखा हुआ था उसने बिजी लिखा हुआ था तो मुझे लगा पता नहीं अब कौन है तो मंडे को हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे मंडे को हम ये करेंगे तो आप ना उसको, तो उसको समझा देना हम करेंगे मंडे को कॉजस ऑफ वॉर और कॉज ऑफ वॉर के साथ पाकिस्तान अफेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वट आर द्रेटेजिक What are the... चलो अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज हाँ हाँ सारा कुछ करेंगे जी जी फैनिना क्वेश्चन कल ब्रेक दे दिए बेटा कल ब्रेक है आप लोगों की लेकिन एक बार तुम्हें याद रखना है कि हमने इसको 20 तक खत्म करना है हमने इसको 20 तक खत्म करना है हर हाल में थैंक यू तारिक महमोद याद तुम लोगों को सातवीं क्लास के बाद सबको याद आ रहा है वेरी गुड टीचिंग मेथड ये वो <laughs> ये क्या साइंस है मुझे इसकी समझ नहीं आई याद तुम्हें सेवंथ क्लास के बाद याद आ रहा है हाँ यार अब देखो ना जिंदगी के कुछ मसाइल होते हैं तो कभी कभी बंदा परेशान हो जाता है खैर मेरे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं ना आई जस्ट जस्ट लेट मी नो आई वाज परफेक्ट देयर नहीं नहीं वो मेरे जाती मसाइल दैट इज माय पर्सनल थिंग तो मेरी क्लास में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया ठीक है वेरी गुड Okay. जी असद करें बात नहीं नहीं मेरे अबू बड़े फिट हैं यार वैसे ही कुछ ना जवान आदमी हूं आपको पता है हजारों चीजें चल रही होती हैं क्या क्वेश्चन है सर सही जा रहे हैं तुम लोग मतलब तुम्हें बस वो एक ही चीज नजर आई है और तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आई कि जवान आदमी है वो मुल्क के लिए परेशान हो सकता है वो सी एस पी है वो अपनी कम्युनिटी के लिए परेशान हो सकता है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए परेशान हो सकता है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के लिए परेशान हो सकता है उसके पास मतलब हाउ कम यू आर सो जजमेंटल यू आर सो जजमेंटल बस मेरा पुत्री आपने कभी कंपेयर करना है किसी के साथ ना तो फिर आपको इनशाला और भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको बड़ी हकीकत के साथ बता सकता हूँ कि इतनी चीजें मुझे खुद भी नहीं आत, आती थी जब मैंने अपनी अटैम्प्ट किया था क्योंकि अब आपको पढ़ाना होता है तो काफी सारी चीजें खुद भी करना पड़ती हैं तो मैं बड़े बड़े बल्कि मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं मैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जब भी तुम किसी के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज फील यूज के यार मतलब ये ये चीजें हमने की हैं एंड अलहमदुलिल्लाह आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट ठीक है अल्लाह हाफिज़ हां बस कर दो ना आपको पता है पहले मैं मुल्क के लिए परेशान हूं थैंक यू सो मच love it.